दुनिया की भूलभुले नहीं, सेंट्रल पार्क की ये भूलभुलैया है जो कि घनसोली में है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज पार्थिव तावड़े एंड आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ घनसोली के सेंट्रल पार्क में, जो कि बहुत ही फेमस पार्क है घनसोली का। एंड ये पार्क ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 2020 में ये पार्क बनाए गए हैं एंड 2030 मतलब 3 साल में ये पार्क बहुत ही फेमस हुआ है। और ये पार्क फेमस कैसे हुआ है ये मैं आज आपके इस व्लॉग में बताऊँगा एंड यहाँ तक कैसे जाना है ये भी मैं बताऊँगा इस व्लॉग में। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं पहुंच गया हूँ घनसोली स्टेशन पर और अभी हमें घनसोली वेस्ट की तरफ जाना है, तो चलो चलते हैं घनसोली वेस्ट। तो फाइनली मैं पहुंच गया मेरी डेस्टिनेशन पर। और ये अंदर जाने से पहले मैं आपको अभी बताऊंगा कि यहाँ तक आना कैसे है वो। तो आप मुंबई में जहाँ पर भी रहते हो आपको ट्रेन पकड़नी टिल घनसोली तक, फिर घनसोली स्टेशन उतर कर घनसोली वेस्ट की तरफ आना है। वेस्ट में जैसे ही आप आओगे एक 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको ये पार्क मिल जाएगा एंड इस पार्क की एंट्री फी कुछ भी नहीं है, फ्री एंट्री है इस पार्क में। तो चलो चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं इस पार्क को। तो पार्क के अंदर आते ही आपको दिखेगा यह ब्यूटीफुल ऐसा फाउंटेन, यहाँ पर आप पिक्स क्लिक कर सकते हो, देख सकते हो। अंदर आते ही आपको ये फाउंटेन दिखेगा। तो मेरे पीछे जो आप अभी स्टैचू देख रहे हो वो यहाँ का अट्रैक्शन है। जब इस पार्क का जब इनॉग्रेशन हुआ था ना, तब इस स्टैचू का फोटो बहुत वायरल हुआ था और आप यहाँ पर फोटोज भी क्लिक कर सकते हो इस स्टैचू के साथ। तो आपको यहाँ पर मैप भी दिया हुआ है, इस गार्डन में टोटल 30 पॉइंट्स हैं, तो इस मैप की हेल्प से आप यहाँ पर घूम सकते हो। ये जो है वो है एंट्री गेट, जहाँ से अभी हमने एंट्री ली और अभी हम फाउंटेन के इधर है, पॉइंट नंबर 4। तो चलो आगे चलते। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो वहाँ पे स्टैचूज रखे गए हैं छोटे बच्चों के, वहाँ पर आप अपने छोटे बच्चों को रखकर फोटोज भी क्लिक कर सकते हो। जैसे मेरे पीछे अभी फोटोज क्लिक हो रहे हैं छोटे बच्चों के, तो ये एक फोटो सेल्फी पॉइंट है आप बोल सकते हो, फोटो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हो वो है स्केटिंग पॉइंट। अगर आपको स्केटिंग पसंद है करना तो आप यहाँ पर आ सकते हो स्केटिंग करने एंड मैं प्रोफेशनल लोगों को नहीं बोलूँगा यहाँ पर आने के लिए, मैं यहाँ पर बिगिनर्स को सजेस्ट करूँगा यहाँ पर आने के लिए। यहाँ पर बहुत बड़ी जगह है स्केटिंग करने के लिए, तो आप यहाँ पर स्केटिंग करने भी आ सकते हो। तो ये है साइकिल ट्रैक, आप देख सकते हो यहाँ पर आप साइकिल भी चला सकते हो, बट अभी आपको यहाँ पर साइकिल नहीं दिख रही होगी इसलिए यहाँ पर लोग चल रहे हैं वॉकिंग कर रहे हैं, बट ये है साइकिल ट्रैक। तो ये है इस पार्क का सेकेंड अट्रैक्शन पॉइंट, ये है स्विमिंग पूल जो कि आपको यहाँ पर मिलेगा देखने को। एंड मैंने आज तक बहुत सारे गार्डन देखे, बहुत सारे पार्क देखे, लेकिन ये यहाँ पर मैंने पहली बार देखा है एंड इसी की वजह से ये पार्क बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एक वो स्टैचू था जो मैंने आपको दिखाया था वो, और सेकेंड ये स्विमिंग पूल, तो इन दोनों की वजह से ही ये गार्डन बहुत फेमस है ये पार्क। और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हो वहाँ पर खेल भी रहे हैं। ये एक पार्किंग एरिया, स्विमिंग पूल में जो आते हैं उनके लिए पार्किंग एरिया ही है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ गाड़ियाँ नहीं है तो ये लोग खेल रहे हैं, मेरे पीछे देख सकते हो आप। तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हो वो है फुटबॉल कोर्ट, तो आपको यहाँ पर फुटबॉल भी खेलने को मिलेगा, उसके लिए फुटबॉल कोर्ट भी यहाँ पर रखा गया है। एंड आज आप देख सकते हो बहुत भीड़ है यहाँ पर, एक तो शाम का टाइम है और ऊपर से ये बहुत ही फेमस पार्क है तो ऑब्वियसली भीड़ तो मिलेगी यहाँ पर, बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत बड़ा पार्क भी है छोटे बच्चों को खेलने के लिए, आप देख सकते हो काफी बड़ा पार्क है यहाँ पे, बहुत सारे गेम्स है यहाँ पे।
तो इस पार्क में एक भूल भुलैया भी है जिसके अंदर अभी मैं आया हूँ, देख सकते हो। ज़्यादा बड़ी नहीं है भूल भुलैया, छोटी ही है, पर अंदर घूमने में बहुत मज़ा आता है। एंड यहाँ पर आप फोटोज भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो आप फोटोज भी क्लिक कर सकते हो यहाँ पर आप। तो ये है यहाँ की भूल भुलैया, दुनिया की भूल भुलैया नहीं, सेंट्रल पार्क की ये भूल भुलैया है जो कि घनसोली में है। तो भूल भुलैया से बाहर निकल कर अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ का नेक्स्ट पॉइंट देखने। तो ये है यहाँ की कंफ्यूज आत्मा जो कि बहुत कंफ्यूज दिख रही है मुझे। तो आप यहाँ पर बैठकर इस पार्क का टॉप व्यू भी एंजॉय कर सकते हो। आप देख सकते हो बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, इस पार्क का सिनेमैटिक व्यू एंजॉय कर रहे हैं। तो आप इस छोटे से स्टैचू के साथ भी फोटोज क्लिक कर सकते हो, ये बॉल थ्रो कर रहे हैं तो इसके साथ आप फोटोज क्लिक कर सकते हो, बहुत मस्त मस्त फोटो आएंगे इधर। तो आप यहाँ पर भी फोटोज क्लिक कर सकते हो, ये भी एक सेल्फी पॉइंट है यहाँ का। तो यहाँ पर देख सकते हो आप बहुत सारे लोग आए इस पार्क में। एंड ये दृश्य देखकर ही आपको पता चला होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पार्क है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं वॉकिंग करने, जॉगिंग करने। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे भी हैं अपने फैमिलीज के साथ, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर खेल रहे हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज बैठी है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी गेम्स खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे। बहुत ही बड़ा ये पार्क है, देख सकते हो बहुत भीड़ है मेरे पीछे, देख सकते हो आप। यहाँ पर साइकिलिंग ट्रैक भी है जहाँ पर आप साइकिलिंग कर सकते हो, और हम अभी है जॉगिंग ट्रैक पर, यहाँ पर आप जॉगिंग कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग में बहुत लोग यहाँ पर आते हैं जॉगिंग करने, एंड इवनिंग में भी आते हैं। तो अगर आप घनसोली में इधर आसपास किधर रह रहे हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो जॉगिंग करने, बहुत बड़ा ट्रैक है ये जॉगिंग ट्रैक। एंड अभी यहाँ पर एक टेम्पल भी है तो हम लोग अभी यहाँ का टेम्पल भी देखने जाएंगे। तो बहुत मजा आया घनसोली के सेंट्रल पार्क में घूमकर। इस पार्क का जो टाइमिंग है वो है मॉर्निंग 6 AM टू 10 AM एंड इवनिंग 5 PM टू 9 PM। इस टाइम में आप कभी भी इस पार्क में जा सकते हो। एंड इस पार्क का कुछ एंट्री फी भी नहीं है, टोटली फ्री है। एंड जैसे आप यहाँ पर जाओगे आपको बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स, कपल्स, यंगस्टर्स एंड बहुत ही ज़्यादा फैमिलीज देखने को मिलेगी जो अपने किड्स को लेकर आती है यहाँ पर। यहाँ पर आपको डिफरेंट मतलब किड्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट गेम्स खेलते हुए दिखेंगे। यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक है, साइकिलिंग ट्रैक है, यहाँ पर आप स्केटिंग भी कर सकते हो, फुटबॉल कोर्ट भी है। एंड यहाँ का जो मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट है स्विमिंग पूल, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। आज तक मैंने बहुत सारे गार्डन्स एंड पार्क देखे लेकिन ये एक अनएक्सपेक्टेड था, ये एक यूनिक था। शायद इसी की वजह से ये पार्क बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप यहाँ पर फोटोशूट भी कर सकते हो, बहुत ही सुंदर प्लेस है फोटोशूट करने के लिए। तो अगर आप वन डे ट्रिप प्लान कर रहे हो तो घनसोली का ये सेंट्रल पार्क एक बेस्ट ऑप्शन है एंड एक बेस्ट ब्यूटीफुल प्लेस भी है। मैं इवनिंग के टाइम पे गया था, बहुत क्राउड था एंड मैंने सनसेट व्यू भी वहाँ पे इन्जॉय किया। वहाँ पे क्राउड इसीलिए था बिकॉज ये बहुत ही फेमस पार्क है इसीलिए। तो वन डे ट्रिप के लिए एक बेस्ट प्लेस है। सो हेयर आई एम एंडिंग माई व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, नेबर, रिलेटिव सभी लोगों में शेयर करना ताकि उन्हें भी इस प्लेस के बारे में पता चल सके। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोज़ देखने के लिए। सो जल्दी मिलती है हमारे नए ब्लॉग में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो।